Hello and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathore from Kemp Pandit. Class 10 के chapter 2 acids, bases and salts में हमने part 1 में discuss किया था about acids. Acids क्या हैं, इनकी definition, physical properties and chemical properties. और हमने इनकी chemical properties को activities के through proof भी किया था. आज हम part 2 में पढ़ेंगे about bases. Bases क्या हैं, इनकी डेफिनेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और साथ में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉमन बेसिस जो एवरीडे लाइफ में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम पढ़ेंगे पीएच स्केल एक्सेट्रा. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. सबसे पहले रिएक्शन ऑफ बेसिस विद वाटर. बेसिस हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब इन्हें वाटर में डिजोल्व किया जाता है. रिएक्शन देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है. वाटर में डिसॉल्व करने पर ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आयंस, पोटेशियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. एक और बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्साइड्स में. तो ये जो वाटर में डिजॉल्व होकर जो बेसिस का सोल्यूशन बना, इसे अल्कली कहते हैं. वो सभी बेसिस जो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल हैं, दे आर नोन एज अल्कलीज. देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स. ठीक है, हमने रिएक्शन ऑफ एसिड देखा था विद मेटल्स, जहां हमने ये देखा था कि मेटल जैसे कि जिंक वगैरह एसिड में से हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देते हैं, क्योंकि वहां पर मेटल आयन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव था, रिएक्टिव था, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट वो कर रहा था. यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सपोज हम ले लेते हैं और इसका रिएक्शन देखते हैं जिंक के साथ. तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है देन जिंक, इसलिए यहाँ जिंक इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. इसीलिए यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक सॉल्ट बना लेंगे जिसका नाम है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे. अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है विद एल्यूमिनियम, तब भी सेम रीजन रहेगा और इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं होगा, बल्कि एक सॉल्ट बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. ध्यान रखने वाली बात ये है कि सभी मेटल्स बेस के साथ अलग अलग तरह से रिएक्शन करते हैं, सेम तरीके से रिएक्शन नहीं करते हैं. अगर एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके बेस में से. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, टू सोडियम प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम, तो इसलिए ये इसको रिप्लेस कर देगा और बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक, चलिए एक सिंपल सी एक्टिविटी करके देखते हैं. एक बीकर में हम 10 ml वाटर लेंगे और इसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, और इसको धीरे धीरे स्लोली स्वर्ल करेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए. अब आप बीकर के बेस को टच करके देखिए. ठीक, क्या ये गर्म है? यस, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और बीकर का जो बेस है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाता है. तो क्या ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक? ऑफ कोर्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यहाँ पर हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अब देखते हैं क्या सिमिलर केस बेस के साथ भी है. इसके लिए हम एक और बीकर लेंगे और उसमें लेंगे 10 ml वाटर. इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेलेट्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो छोटे छोटे सर्कुलर पेलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है. तो इसको हम डालेंगे और फिर से हम बीकर को स्वर्ल करेंगे मिक्स करने के लिए. अब क्या होगा, क्या अभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं? तो हम ये नोट करेंगे कि अभी भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी फिर से हीट इवॉल्व हुई है. तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिड और बेस दोनों का ही डिसोल्यूशन वाटर में जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए दोनों ही केसेस में टेम्परेचर ऑफ द बीकर इंक्रीजेस.
जैसा कि हमने अभी अभी देखा, प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड या बेस इन वाटर हाईली एक्सोथर्मिक है इन नेचर। ठीक है, हमने कुछ ही ड्रॉप्स वहाँ डाले थे और हमने देखा कि टेम्परेचर वहाँ बढ़ गया था, है ना। तो अगर हम नॉर्मली एसिड को से में वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक कॉशन है जो कि बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, और ये मैंने फिगर के थ्रू आपको बताया हुआ है। देखिए, एसिड प्लस वाटर इज अ क्रॉस, मतलब कि एसिड में वाटर ऐड नहीं किया जाना चाहिए, जबकि वाटर प्लस एसिड को मैंने टिक मार्क दिया है, यानी दिस इज द राइट मेथड। ठीक, तो ध्यान रखिए, कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते हैं, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जिससे कि एसिड स्प्लैश आउट हो सकता है और ये बहुत ही सीवियर बर्न्स कॉज कर सकता है। और यही रीज़न है कि हमेशा ध्यान रखिए कि एसिड में वाटर नहीं, वाटर में एसिड को ऐड करते हैं, वो भी स्लोली स्लोली विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, ताकि हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है वो पूरे सोल्यूशन में फैल जाए, डिसिपेट हो जाए। ठीक, अब ये एसिड और बेस को मिक्स करना विथ वाटर, इससे क्या होता है? इससे हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जो वहाँ बन रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिक्रीज होता जाता है, और इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक, हमने पहले भी पढ़ा है, डाइल्यूट एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट बेस कॉन्सेंट्रेटेड बेस, है ना। तो डाइल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन एंड और OH आयन। तो हमने ये अभी पढ़ा कि जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं, हाइड्रोनियम आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे इस रिएक्शन से। देखिए, ये है HCl एसिड, इसे हमने डाइल्यूट किया वाटर को ऐड करके, क्योंकि H आयन जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए ये वाटर से अटैच होके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो जब एसिड की वॉल्यूम कम हो जाएगा बहुत और वाटर का बहुत बढ़ जाएगा, तो जाहिर बात है कि हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल बिकम लेस पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी तरह से एसिड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है डाइल्यूशन का। इंडिकेटर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, एसिड बेस इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स, है ना। अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर जो हाइड्रोजन आयन के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे, उसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एन इंडिकेटर विच शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ पर बात होगी पीएच स्केल की। ठीक है, एक स्केल डेवलप किया गया था फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, इसको मेजर करने के लिए एक स्केल जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ये डेवलप किया गया था। यहाँ पर पी का मतलब है पोटेंस, जो कि जर्मन भाषा का वर्ड है। पीएच रेंज जो है वो 0 से 14 तक हो सकती है। ठीक, 0 यानी बहुत एसिडिक और 14 यानी बहुत ही अल्कलाइन। पीएच 7 को न्यूट्रल माना जाता है। तो नॉर्मली वाटर का जो पीएच है वो 7 के आसपास होता है, क्योंकि वाटर जो है वो पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होता है। 7 के नीचे का जो पीएच है, यानी 0 से लेकर 7 तक का जो पीएच है, ये होता है एसिड सॉल्यूशंस के लिए। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है। और 7 से 14 जो पीएच होता है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन बेसिक या अल्कलाइन है। ठीक है, तो जितना कम पीएच होगा किसी भी सॉल्यूशन का, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा, और पीएच जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक कहलाएगा। इसलिए हमने कहा कि 0 मतलब वेरी एसिडिक
और 14 हमने कहा कि वेरी वेरी अल्कलाइन। ठीक है, बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स की। जैसा कि हम जानते हैं सॉल्ट्स बनते हैं एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से। इस हिसाब से सॉल्ट्स हमेशा न्यूट्रल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए, और वो है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल रहता है और इसका पीएच 7 होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक होता है और देयरफॉर इसका पीएच 7 से कम रहता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट नेचर में बेसिक होता है और इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। चलिए डिस्कस करते हैं पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी ऐसे सॉल्यूशंस का पीएच जो हमें एवरीडे लाइफ में हमारे आसपास मिलते हैं। सबसे पहले देखिए जीरो पीएच है बैटरी एसिड का। फिर देखिए बैटरी एसिड क्या है, इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर है आपका 1 पीएच है स्टमक एसिड का, जो स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर 2 पीएच है आपके लेमन जूस का। 3 है विनेगर का, 2 और 3 के बीच में आता है सॉफ्ट ड्रिंक्स का। देन 4 पीएच है टोमेटोज का, एसिड रेन का। एसिड रेन का पीएच भी एक्चुअली 3-4 के बीच में ही होता है। ऑरेंज जूस का भी इसके बीच में होता है। देन 5 पीएच, और ये कलर भी आप देख रहे हैं, इट इज ऑफ कॉफी। फिर ये 6 पीएच, 6 और 5 के बीच में आता है प्योर रेन का एंड एग योक का, कुछ 5.5-5.6 के आसपास। देन 7 के लगभग होता है फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर का और सलाइवा का। लगभग 8 के आसपास होता है सी वाटर एंड बेकिंग सोडा का, और इसमें कलर आपको ये मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं। देन पीएच 10 और 11 के बीच में रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें जो कि एंटासिड्स में मिलता है। फिर 11 से 12 के बीच पीएच होता है हाउस होल्ड अमोनिया का, यानी अमोनिया जो हम घर में यूज करते हैं। देन 12 और 13 के बीच पीएच होता है हाउस होल्ड ब्लीच का, वही ब्लीचिंग पाउडर जो हम घर में यूज करते हैं। 13 से 14 के बीच में पीएच है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का। डिस्कस करते हैं कुछ ऐसा जो हम सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होता है। कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी से हमें बर्निंग सेंसेशन होता है थ्रोट में, गले में, या फिर स्टमक एक होता है, इरिटेशन होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी स्टमक है इसके अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है और ये एसिड यूज किया जाता है डाइजेशन में। लेकिन कभी कभी ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी फूड लेने से स्टमक जो है वो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस करता है। इस एक्सेस एसिड से पेन और इरिटेशन होता है। तो हमने देखा है कि जब भी हमें ऐसा होता है तो हम या तो इनो लेते हैं, या फिर हम जेल्यूसिल लेते हैं, या हम कोई सोडा वाटर पीते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें बेस होता है, ये सभी एंटासिड्स कहलाते हैं। इन सब में बेस होता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड होता है, और जब ये एक्सेस एसिड के साथ जब ये बेस रिएक्ट करता है तो उसे न्यूट्रलाइज करता है और इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और पेन एंड इरिटेशन से हमें राहत मिलती है, ये रिड्यूस हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से एंटासिड्स काम करते हैं और इस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम हाउस होल्ड में देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन है अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन ड्यू टू द इनटेक ऑफ हॉट स्पाइसी फूड, व्हाट रेमेडी विल यू प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट, गिव द नेम ऑफ अ केमिकल दैट कैन गिव रिलीफ टू हिम। ठीक, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है उसको इनडाइजेशन की वजह से, है ना, इनडाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने हॉट स्पाइसी फूड लिया है और उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको क्या प्रिस्क्राइब करेंगे और उस केमिकल का नाम बताइए जिससे उसको रिलीफ मिलेगा। तो हम पर्सन को क्या देंगे, हम उसको एंटासिड देंगे, इनो देंगे या जेल्यूसिल देंगे। ठीक है, और वो केमिकल जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है इसको न्यूट्रल कर देगा और पेन से रिलीफ देगा। टूथ डिके, घर में अक्सर मम्मी पापा
बड़े लोग कहते हैं ना, आप लोग उसे अक्सर कहते हैं कि ज्यादा चॉकलेट नहीं खाओ वरना दांत सड़ जाएंगे, है ना? तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि टूथ डिके जो है ये एक कंडीशन है जब टूथ एनामल जो है वो कोरोड हो जाता है, उसका कोरोजन हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया जो भी खाने के बाद फूड पार्टिकल्स माउथ में रह जाते हैं और शुगर जो बचती है उसको डिग्रेड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एसिड। ये जो एसिड प्रोड्यूस होता है ये टूथ एनामल को वीक बनाता है, उसे करोड करता है, और इसी कंडीशन को टूथ डीके कहते हैं। तो इससे टूथ डीके भी होता है, इससे कैविटीज भी होती हैं। ठीक, अब चॉकलेट जब हम खाते हैं तब भी यही कंडीशन होती है। चॉकलेट ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा शुगर माउथ में रह जाती है जिस पर बैक्टीरिया काम करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो बेस्ट तरीका टूथ डीके रिड्यूस करने का क्या है? हर मील के बाद आपको माउथ क्लीन करना चाहिए, यानी कि टूथब्रश करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट यूज करके जब हम टूथब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट जो कि जनरली बेसिक है इन नेचर, ये टीथ में प्रेजेंट एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और टूथ डीके को प्रिवेंट करता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि टूथ डीके एसिडिक कंडीशंस में होता है। तो जब एसिडिक कंडीशंस न्यूट्रलाइज हो जाएंगी तो टूथ डीके भी प्रिवेंट होगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं ए एंड बी। सॉल्यूशन ए का पीएच है 6 और बी का है 8। क्वेश्चन ये है कि किस सॉल्यूशन के पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कौन सा वाला एसिडिक है और कौन सा वाला बेसिक है। तो आंसर इसका क्या होगा? जैसा कि हमने पढ़ा है, पीएच लेस देन 7 यानी एसिडिक सॉल्यूशन, मोर देन 7 यानी बेसिक सॉल्यूशन। मतलब कि जो सॉल्यूशन ए है ये एसिडिक है और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इसका ज़्यादा है, और जो सॉल्यूशन बी है उसका पीएच 8 है इसलिए वो बेसिक है। ठीक, एक और क्वेश्चन है छोटा सा कि फील्ड में अगर सॉइल हाईली एसिडिक है तो ऐसे दो मटेरियल बताइए जिनको हम सॉइल में ऐड कर सकते हैं उसकी एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए, और इसका रीजन भी बताइए। तो यहाँ पे आंसर है कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि ये सभी बेसिस हैं, बेसिक हैं। तो जब हम बेस को ऐड करेंगे सॉइल में जिसकी एसिडिटी ज़्यादा है तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक, और इसकी एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं पीएच इन आर डे टू डे लाइफ। हमारी बॉडी जो है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में काम करती है। सलाइवा हमारा जो है उसका पीएच 6.5 से 7.5 है। रेन वाटर का पीएच नॉर्मली 5.6 के आसपास होता है, मैंने अभी बताया था, और जब ये पीएच इससे कम होता है तो इसको एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन क्या करती है? रिवर वाटर की का पीएच जो है वो कम कर देती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग डाइजेशन, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है और इसमें कोई हार्म भी नहीं है, लेकिन इन डाइजेशन के दौरान स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे पेन और इरिटेशन होता है। ठीक, टोमेटो जूस का पीएच 4.1 से 4.6 होता है, जबकि कैरेट जूस का पीएच अराउंड 6.4 होता है। हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ये एसिड रिलीज करते हैं बची हुई शुगर और फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करके, इससे पीएच 5.5 से कम होता है और ये कैल्शियम फॉस्फेट जो टूथ एनामल में प्रेजेंट होता है उसे ये कोरोड करता है, ये भी हमने अभी पढ़ा है। बी स्टिंग यानी हनी बी जो डंक मारती है तो वो क्या करती है, वो एसिड छोड़ देती है आपके स्किन पे, इससे पेन और इरिटेशन होता है। ठीक, नेटल लीव जो है ये इंजेक्ट करता है मेथनोइक एसिड, इससे भी आपको बर्न फील होता है।
तो अगर आप एक माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा इस जगह पर लगा लेते हैं तो आपको रिलीफ मिल जाता है, बिकॉज वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करके। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जब भी किसी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो अपने आयंस में टूट जाता है तो प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन। ठीक, तो इस प्रोसेस से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस फिगर में आप देखिए ये अपैरेटस है। अपैरेटस में लिया है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर एक कैथोड है और एनोड है। जैसे ही कैथोड और एनोड को कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वैसे ही क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने आयंस में टूट जाता है, सोडियम एंड क्लोराइड, और वाटर टूट जाता है अपने आयंस में, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब जैसा कि हम जानते हैं कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर और हाइड्रोजन गैस बनाता है जो लिबरेट होती है कैथोड पर। इसी तरह से हम जानते हैं कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो क्लोराइड आयन यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्लोरीन गैस एनोड पर इवॉल्व होगी। अब सॉल्यूशन में बचे सिर्फ सोडियम आयन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स, तो ये कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कैथोड के पास बनता है। ठीक, ये रिएक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हो रही है, और इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है ये लिया गया है क्लोरीन गैस से और जो अल्कली है ये आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो यहाँ पर बना है। ठीक, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन द क्लोर अल्कली प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड एनोड। तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। सेकेंड क्वेश्चन है एट विच इलेक्ट्रोड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एट द कैथोड, ये इसका आंसर है। यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो इस प्रोसेस में इवॉल्व होती है ये बहुत सी जगहों पर यूज होती है। द पॉइंट इज कि क्लोरीन गैस इज अ वेरी वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट, और इसीलिए डिसइंफेक्शन के लिए ये सभी जगहों पर यूज होता है, स्पेशली स्विमिंग पूल्स में एज अ डिसइंफेक्टेंट, सभी तरह के वाटर ट्रीटमेंट में, खास तौर पे म्यूनसिपैलिटी जब पोर्टेबल वाटर जो डिस्ट्रीब्यूट करती है तो ड्रिंकिंग वाटर में, सभी तरह के ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के बाद लास्ट में डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन गैस इज यूज्ड। क्लोरीन गैस बहुत ही पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है और ये सभी तरह के पैथोजेनिक बैक्टीरियाज और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है बहुत ही इफेक्टिवली। इसको ऑल्सो यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी पेस्टिसाइड्स। हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है इसका भी यूज है, हम सभी जानते हैं इट इज यूज एज अ फ्यूल। देन इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया को जो मैन्युफैक्चर करते हैं हेबर्स प्रोसेस है, ये उसका मैंने पिक्चर दिया है, इसमें देखिए आप हेबर्स प्रोसेस से जब अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस मेन जो है वो रॉ मटेरियल होता है। फिर इसे ऑल्सो यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ घी, मार्गरिन एट्सेट्रा। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही यूजफुल बेस है। इट इज यूज फॉर डी ग्रीजिंग मेटल्स। मेटल्स पर जो ग्रीस जम जाता है उसको डीग्रीज करने के लिए काम आता है। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये पेपर बनाने के काम आता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चर में काम आता है, और ये आर्टिफिशियल फाइबर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। चलिए कुछ कॉमन बेसिस को डिस्कस करते हैं। सबसे कॉमन बेस जो हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है ब्लीचिंग पाउडर। हम सबको पता है ब्लीचिंग पाउडर क्या है।
तो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस, ब्राइन सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस में जो क्लोरीन प्रोड्यूस होती है, इससे मैन्युफैक्चरिंग में यूज करा जाता है ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस का रिएक्शन ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ कराया जाता है टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। ये है आपका रिएक्शन, ये है लाइम जो कि यहाँ ड्राई फॉर्म में लिया जा रहा है, और यह है क्लोरीन गैस। जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2 प्लस वाटर। चलिए देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। इट इज बेसिकली यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन एंड लिनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, स्पेशली फॉर कॉटन एंड लिनन। फिर पेपर इंडस्ट्रीज में इसे वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। देन लॉन्ड्री में वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करके किल कर देता है। फिर इट इज ऑल्सो यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में इसे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। पिक्चर्स में सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट कॉमन बेस है बेकिंग सोडा, जो किचन में कुकिंग में यूज किया जाता है। इसे प्रिपेयर किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करके। ये देखिए, ये रिएक्शन है NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, और बनता है यहाँ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही है आपका बेकिंग सोडा। केमिकली इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक बहुत ही माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। जब कुकिंग में इसको यूज करते हैं तब रिएक्शन क्या होती है देख लेते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया गया तो ये ब्रेक हुआ सोडियम कार्बोनेट में प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई है, यही कार्बन डाइऑक्साइड फूड आइटम को बहुत ही फ्लफी, स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाती है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से ही बनाते हैं बेकिंग पाउडर। यस, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों बहुत ही डिफरेंट होते हैं। बेकिंग पाउडर को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय रिएक्शन ऑफ माइल्ड एडिबल ऑयल लाइक टार्टरिक एसिड विथ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जब रिएक्शन कराते हैं किसी भी माइल्ड एडिबल ऑयल के साथ, मोस्टली टार्टरिक एसिड के साथ, तब प्रोड्यूस होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को मिक्स करते हैं विथ वाटर या उसको हीट करते हैं जब, तो ये रिएक्शन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HIN गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और बनता है एसिड का सोडियम सॉल्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है, ये ब्रेड को और केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है। क्योंकि ये एक अल्कलाइन है, अल्कलाइन इंग्रेडिएंट है ऑफ एंटासिड्स, तो ये क्या करता है, हमें पता है कि स्टमक में एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और इट इज ऑल्सो यूज एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, जिसका पिक्चर आपने अभी अभी देखा था, वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है। एक और बहुत ही कॉमन सा बेस डिस्कस करेंगे हम, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी सोडियम क्लोराइड का ही एक डेरिवेटिव है। ठीक, बेकिंग सोडा को हीट करने पर मिलता है सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए, ये रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन हीटेड ब्रेक्स इनटू सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ है, इसको रिक्रिस्टलाइज जब करते हैं तो मिलता है वॉशिंग सोडा। क्यों? क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन में बन जाता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10 वाटर, और यही है आपका वॉशिंग सोडा। दिस वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज। ये ऑल्सो यूज होता है कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चर में, जैसे कि बोरैक्स। ये एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज होता है फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये देखिए, ये है वॉशिंग सोडा।
ये यूटेंसिल क्लीनिंग वाला जो डिटर्जेंट होता है उसमें वॉशिंग सोडा रहता है। फिर वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी इसका यूज होता है। बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? हम कई बार देखते हैं कि कंपाउंड के फॉर्मूला में हम पॉइंट वाटर 0.5 H2O, 0.2 H2O, कभी कभी हम लिखते हैं 0.10 H2O। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रेट कहते हैं। सपोज के एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट 0.5 H2O, तो हम कहेंगे कि ये कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट है या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। ठीक, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसे डिफाइन करेंगे एज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक 0.5 H2O, तो इस फॉर्मूला यूनिट में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, फिक्स्ड नंबर होता है ये, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट में, तो हम कहेंगे 5 है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक फॉर्मूला यूनिट में। ठीक है, अगर हम कहें कॉपर सल्फेट 0.2 H2O, तो मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 2 हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ध्यान में आपको ये रखना है कि जो हाइड्रेट्स होते हैं ये कोई ऐसे कंपाउंड्स नहीं होते हैं। कंपाउंड्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल इनमें रिएक्ट करके कुछ नया नहीं बनाता है। ठीक है, कई बार ना वाटर से रिएक्ट करके कोई भी कंपाउंड जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, कभी वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस तरह की रिएक्शंस जनरली होती हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कई सारे सॉल्ट जो दिखने में ड्राई दिखते हैं, ड्राई सॉलिड फॉर्म में दिखते हैं, पाउडर फॉर्म में, लेकिन वो ड्राई नहीं रहते हैं। वो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एयर में आते से ही वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और मतलब एयर में मॉइस्चर जो होता है वहां से वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कई बार वो हल्के से वेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो उनकी टेंडेंसी होती है ना, ये होती है हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी। वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके ये इस तरह से एडिशन प्रोडक्ट बना लेते हैं, इनको एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई नया कंपाउंड नहीं बना रहा है, सिर्फ जुड़ रहा है उससे। ठीक है, तो ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिप्सम। जिप्सम जो है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है इसमें 2 मॉलिक्यूल रहते हैं, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 0.2 वाटर। जिप्सम को जब हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और ये बना लेता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, और ये एक बहुत ही वेल नोन कंपाउंड है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ, ये वही POP है जिसे हम जानते हैं, जो जनरली यूज किया जाता है डेकोरेटिव आइटम्स में, डेकोरेशन की पर्पसेस के लिए घरों में भी यूज होता है, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? ये भी कैल्शियम सल्फेट का एक हाइड्रेट है। चलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं हम। क्या करेंगे, हम एक बॉइलिंग ट्यूब में, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लेंगे। ये हम जानते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्लू होते हैं। ठीक, और इसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसका कलर जो है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल्सो हम ये नोटिस करेंगे कि बॉइलिंग ट्यूब में कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो ये वाटर कहाँ से आया? इसका जवाब ये है कि कॉपर सल्फेट जो कि हमें ड्राई पाउडर दिखता है, ड्राई क्रिस्टल्स जो इसके दिखते हैं, वो एक्चुअली में ड्राई नहीं है। इनके पास होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसे हम हीट करते हैं तो ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में हमें बॉइलिंग ट्यूब पे दिखाई देता है, और इसीलिए इसका कलर अब वाइट हो जाता है। ठीक, अब इसी बॉइलिंग ट्यूब में हम क्या करेंगे, ये जो कॉपर सल्फेट ड्राई हो गया है इसमें हम 2-3 ड्रॉप डालेंगे वाटर की और इसको फिर से हीट करेंगे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि कलर जो इसका ब्लू था वो वापस आ जाता है, ब्लू कलर रीअपीयर्स, क्योंकि जैसे ही इसे पानी मिलता है वैसे ही ये वापस अपना हाइड्रेट बना लेता है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस आ जाता है। ठीक, क्लियर।
प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट देने के लिए, ये हम सब जानते हैं। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब वाटर में मिक्स करके कहीं भी अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही हार्ड मास बना लेता है, हार्ड सॉलिड मास। तो इस हार्ड सॉलिड मास की वजह से जो हमारी फ्रैक्चर्ड बोन है ये मूवमेंट नहीं हो पाता है इसके अंदर, और जब मूवमेंट नहीं होता है तो प्रॉपर अपनी पोजिशन पर ये फिक्स हो पाता है। इसीलिए इसको फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए जो प्लास्टर लगाते हैं उसमें इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है, है ना, बेसिकली क्या होता है, जब वाटर में ऐसे मिक्स करते हैं तो ये वापस जिप्सम बना लेता है, ठीक, और जिप्सम बना के ये एक हार्ड सा सॉलिड मास बना लेता है। ये देखिए, ये है रिएक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे लिखते हैं, कैल्शियम सल्फेट 0.05 वाटर, यानी हाफ वाटर मॉलिक्यूल। अब भाई ये कैसे पॉसिबल है ना, ये आपको अजीब लगेगा कि 0.5 वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पे दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल पर एक वाटर का मॉलिक्यूल रहता है, ठीक, हर दो कैल्शियम सल्फेट पे एक वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए इसको 0.5 वाटर लिखा जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से जिप्सम बनाता है। फिर इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और इसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग टॉयज, इसके खिलौने बनते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं। इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं और सर्फेसिस को स्मूथ बनाने के ये काम आता है। मोस्टली घर में जब फिनिशिंग होती है वॉल्स की, सीलिंग की, वहां पर इसे यूज करते हैं। इसके अलावा गणेशोत्सव और देवी जी में नवरात्रि जब होती है तब जो हाँ मूर्तियां रखी जाती हैं भगवान जी की, तो वो मूर्तियां भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती हैं क्योंकि इसे लाइट वेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि जब पानी में इनको विसर्जित किया जाता है तो ये, क्योंकि ये केमिकल है इसलिए वाटर पोल्यूशन करता है, तो इससे ज्यादा अच्छा होता है कि ये मिट्टी की बनाई जाए, ठीक। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इमेजेस देख रखी हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये फ्रैक्चर्ड बोन का प्लास्टर लगाया जा रहा है। यहाँ पर ये टॉयज हैं मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये डेकोरेटिव आर्टिकल्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं जो सीलिंग में यूज होते हैं। With this we end our chapter 2, acids, bases and salt. I hope now everything is clear to you. But still if you have any doubt, you can definitely post a question in the comment box. Plus you can also mail me through my mail ID, or you can also find an answer on the website. Thank you.